गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 12.2 करेंगे। इसमें हम आपको एंगल के बारे में बताएंगे। देखो ये, व्हाट इज द एंगल व्हेन टू रेज और लाइन सेगमेंट हैव कॉमन पॉइंट दे फॉर्म एंगल। जैसे देखो ये आपकी रे है, ये ठीक है, ये रेज हो गई है और एक रेज ये बना दी, इसका कॉमन पॉइंट है ये, यहाँ पर ये ओ इनका कॉमन पॉइंट है, दूसरी रेज ये है। मान इसका नाम रख दिया हमने ए और इसका ये पॉइंट है बी, तो ये ओ ए ये फर्स्ट रे है और ओ बी सेकेंड रे है, ठीक है। तो ये ए ओ बी एंगल है, ये एंगल के पार्ट देखो, ये जो ओ ए पार्ट है ये जो है इसको आर्म कहा जाता है, आर्म ऑफ द एंगल। ये भी आर्म हो गई, ओ बी ये क्या है, ये आर्म है, ये भी आर्म है और ये भी आर्म है। ये जो है ये कॉमन पॉइंट जो है इसका, इस कॉमन पॉइंट को हम वर्टेक्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, ओ को, ये जो कॉमन पॉइंट ओ है ये क्या है, ये वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स कहा जाता है। इसको समझ में आ गया आपको ये। अब आगे देखो, अब ये सम करते हैं हम इसके, ये अभी तक मैं आपको समझा रहा था एंगल के बारे में, अब सम करते हैं, इसी से रिलेटेड सम है सारे, आप खुद भी कर सकते हो। आप इनको देखो, इसमें फर्स्ट सम है, राइट द नेम ऑफ द वर्टेक्स आर्म्स एंड एंगल ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर दी हुई है आपको, इसमें आपने वर्टेक्स का नेम बताना है, आर्म्स का और एंगल का। देखो सबसे पहले फर्स्ट वाला है ये, वर्टेक्स क्या है इसमें, वर्टेक्स क्या है इसमें, बी है, उसके बाद है आर्म्स। आर्म्स कौन कौन से हैं, बी ए एंड बी सी। इसमें देखो एंगल का नाम, एंगल क्या हो गया, ये एंगल, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, इसको ऐसे लिखा जाता है, ये एंगल का साइन है आपको ये। ऐसे ही देखो सेकंड वाला, इसमें देखो ये वर्टेक्स क्या है इसमें, वर्टेक्स क्या है इसमें, ये रिवर्टेक्स, इसमें क्यों जो वर्टेक्स क्या हुआ है, और आर्म्स, आर्म्स आर्म्स कौन कौन सी हो गई इसमें, देखो ये एक तो ये हो गई क्यू पी, दूसरा क्या है क्यू आर, ये आर्म्स है इसकी, ये लिखेंगे हम इसको क्यू पी एंड क्यू आर। थर्ड इसी तरीके से है ये, इसमें देखो ये वर्टेक्स और ये एंगल, एंगल देखो ये एंगल पी क्यू आर, ऐसे इसमें वर्टेक्स है, इसमें स्पेस का मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, मैं वर्टेक्स, इसमें क्या है ये वाई। आर्म्स, आर्म्स कौन सी हैं, वाई एक्स एंड वाई जेड, और एंगल एक्स वाई जेड, ये हो गया ये। अब अगला सम देखेंगे हम इसमें, नेक्स्ट सम देखो इसमें ये, फाइंड द नंबर ऑफ एंगल्स एंड देयर नेम फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फिगर। इसमें आपने फिगर दी हुई है, इसमें नंबर ऑफ एंगल्स बताने हैं। देखो ये फर्स्ट एंगल है पी ओ आर, सेकेंड एंगल है आर ओ क्यू, इस प्रकार से फोर एंगल है। नंबर ऑफ एंगल कितने इसमें, ये यहाँ लिखो नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं यहाँ पर, फोर। इनके नेम देखो, अब ये सबसे पहला एंगल कौन सा है, ये पी ओ आर, एंगल पी ओ आर, एंगल आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, एंगल एस ओ पी, ये एंगल एस ओ पी, एस ओ पी, ये हो गया। ऐसे इसमें करना है, देखो ये नंबर ऑफ एंगल्स कितने इसमें, नंबर ऑफ एंगल्स, नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं, थ्री है इसमें, ठीक है। फर्स्ट एंगल कौन सा है इसमें, डी ओ सी, एंगल डी, इसमें एंगल है डी ओ सी या ए ओ बी, कैसे भी कर सकते हो अभी, एंगल डी ओ सी, एंगल अगला एंगल कौन सा है, ये सी ओ बी, सी ओ बी, अगला एंगल कौन सा है
ए ओ बी, ये इस तरीके से करना है आपने ये। थैंक यू।